हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, नथिंग अप टू टॉप। दिन की शुरुआत हुई ब्रेकफास्ट के साथ और हमने बढ़िया से व्यू के साथ अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हमने किया वार्म अप और खेले कुछ गेम। आज का दिन थोड़ा डिफरेंट था। टुडे वी हैड टू चूज आवरसेल्व्स अ ट्रैक बडी आउट ऑफ ऑल द ट्रैकर्स। जो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की, आई बिलीव व्हाट हैपेंस ऑन अ ट्रैक स्टेज ऑन अ ट्रैक। जेल में डालो। दिस इज अ ट्रेल स्नेक। स्नेक स्नैक्स रास्ते में मिले हमें कुछ नए दोस्त जो पुराने वालों की तरह रास्ते में ही छूट गए। As mentioned earlier, today was buddy day. Everyone was walking in a pair, trying to communicate and get to know the other person's perspective towards life. Look at the view. Kitna khoobsurat hai. That is Dronagiri Parvat. और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना पर्वत के थोड़ा सा है दूसरा पहाड़, मतलब एक लाइन जा रही है। इस साइड देर इज़ नो पहाड़। अर्लियर जब मैंने वो द्रोणागिरी की कहानी सुनी थी तो यहाँ से हनुमान जी ने ना पर्वत उठा लिया था। तो यहाँ पे बेस पे ना गांव है जहाँ पे हनुमान जी को पूजते नहीं है। आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल मोर वाइल्ड, हम सब ने ब्रेक लिया जिसमें हमारे लोकल गाइड ने हमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। प्रतीक से हाय। A very big moment which we all have read about in our EVS books, in our geography books, in our environmental books. So Ashish will let you know that story. So just be silent for some time, and if you have any doubts, you can ask Ashish at the end. Is it clear to everyone? तो काफ़ी हवा की वजह से उनकी आवाज़ ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बट वो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि हम सभी ने हग द ट्री या फिर चिपको मोमेंट के बारे में सुना और पढ़ा दोनों है। वो आंदोलन सन 1970 में शुरू हुआ था, ऐसा ग्रास रूट्स एनवायरमेंटल कैंपेन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ट्रीज एंड फॉरेस्टर्स फॉर कमर्शियल लॉगिंग। 1974 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में रेनी गाँव के पास ये घटना हुई थी। लोगों से सुना है कि एक रात एक छोटी बच्ची ने कुछ लकड़हारों को पेड़ काटते हुए देखा और तभी उसने जाके गांव में एक औरत को बता दिया। हमने हमेशा से यही सुना है, यही देखा है कि पहाड़ों को लोग पूजते आए हैं एंड पीपल बिलीव दैट माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ देयर लाइव्स। बट गेटिंग बैक ऑन टू द स्टोरी, वो छोटी बच्ची ने ये बात जाकर गौरा देवी को बता दिया था। नाउ गौरा देवी वॉज नो बिग पब्लिक फिगर बट अ वुमन विद अ लॉट ऑफ करेज। तो गौरा देवी और गांव की अन्य महिला वहां पेड़ों को गले लगाकर खड़ी हो गई, विच लुक लाइक अ ह्यूमन चेन एंड विच क्रिएटेड अ बैरियर अंटिल द लॉगर्स लेफ्ट। इसी साहसिक कार्य ने देश का ध्यान आकर्षित किया एंड ऑल्सो ड्रू नेशनल अटेंशन टुवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आफ्टर हियरिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड करेजियस स्टोरी, एज मैंने ये चीज़ पढ़ी भी थी सोशल साइंस में, सो आई फेल्ट मोर रिलेटेबल टू द स्टोरी। आई फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग, सो आई एंडेड अप क्लाइंबिंग अ ट्री which was good. I sat there for a while, mast upar se nazare liye. After climbing the tree, got tired, to kiya thoda vishram, did some push-ups and then stood upside down, wonderful in front of that view, completing the moment. हम पहाड़ों पे ट्रैक करते हैं, वॉक करते हैं, तब हम हमेशा हमारी ट्रेल की तरफ देखते चलते हैं और एज बिकॉज हमें ट्रेल कम्प्लीट करनी रहती है, हम भूल जाते हैं कि हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं। सो दिस इज माई वे ऑफ वॉकिंग। आई ऑलवेज वॉक and then I take a pause to look at the mountains. Look at them, how proudly they are standing, and this is what you miss because you have to complete the trail. Tum piche mod ke dekhte hi nahi ho inhe. So yeah, you can also try it in your trail. Then again back to the trail, did a lot of ascents and a little descent. On day 2nd we finally reach to our base camp. सौरभ जी आए। वी विल विटनेस आइस टुडे। अभी सब लोग वेलकम ड्रिंक के लिए वेट कर रहे हैं और सब ऐसे व्यू देख रहे हो उस साइड, बढ़िया है।
आपको मिल गया मेरा और इसका एक ही ग्लास है थैंक यू सौरभ जी फ्रीजर के बाहर लाइफ में फर्स्ट टाइम आई विटनेस्ड स्नो एंड आई एट इट दिस डे वॉज सुपर चिल बट इस दिन तक काफ़ी सारा असेंड कर लिया था एंड वी ऑल वर टायर्ड बिफोर वी एंडेड अप रेस्टिंग शाम को वी जस्ट हैड आर इवनिंग स्नैक्स एंड वी प्लेड अ लिटिल एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक बाय बाय